खीर गंगा तक कितना टाइम लगेगा यहाँ से? सही बता। रेड बुल चलते हैं, अब ट्रैक कंप्लीट करते हैं। ये आ चुकी है हमारी मैगी और इधर चाय और ये नजारे, बेहतरीन से नजारे। यार गाड़ी इधर लगा दी हमने। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो अभी एक व्लॉग की एंडिंग की और दूसरे व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं और शाम के बज रहे हैं, अभी 5 बज रहे हैं बॉस, और हम निकल रहे हैं अभी खीरगंगा ट्रैक के लिए। इस समय ना कोई भी इंसान खीरगंगा ट्रैक नहीं निकलता बॉस, या तो सुबह सुबह निकलते हैं। अभी लोग वापस आ रहे हैं खीरगंगा से। और बॉस ये देख लो तू, और ये एक तरह का बॉस चैलेंज ही होने वाला है, क्योंकि इतनी शाम को किसी ने भी खीरगंगा ट्रैक नहीं किया। 5 बजे यहाँ से निकल रहे हैं और हम हिमाचली है, तो यही चीज़ लेकर हम जो है कॉन्फिडेंस लेकर हम निकल रहे हैं। एग्जैक्ट टाइम देखते हैं कितना लगाते हैं। एग्जैक्ट टाइम देखते हैं यार, अभी हमने अपने से चैलेंज लिया है कि पिछली बार जब मैं आया था ना तो मैंने आई गए 4.5 या 5 घंटे लिए थे, लेकिन आज फुल ऑन 3-3.5 घंटे से ऊपर हमें बिल्कुल भी नहीं लेना, क्योंकि वैसे ही अंधेरा हो जाएगा। देख रहे हो वहाँ से फिर ऊपर और वहाँ से और आगे है। तो काफ़ी स्टीप ट्रैक है यार ये, तो हमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो खीरगंगा जाने के यार दो रास्ते हैं, एक तो ये वाला रास्ता है जो गांव से होकर जाता है, दूसरा रास्ता है जंगल से होकर जाने वाला। तो वो वाला रास्ता हमने अवॉइड किया अभी, क्योंकि हम रात को पहुंचने वाले हैं ऊपर। पहुँचेंगे तो जंगल से हम नहीं जाएंगे, अभी गाँव से होते हुए निकलते हैं। बीच में जंगल आएगा काफ़ी, उसको हमें अभी इवनिंग में ही क्रॉस करना होगा। और गौरी फुल ऑन एक्साइटेड है। कुछ दूर चलते ही तुम्हारा तो सांस फूलने लग गया बे। यार जहां से हमने स्टार्ट किया था ना वहां पे थोड़ी सी हमारे पावर थी, हमने अभी थोड़ी सी ज्यादा स्टीप चढ़ाई है। वहां से हमने स्टार्ट किया था उधर से, और हम यहाँ रुके, यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे पीछे थोड़ी सी स्टीप चढ़ाई है उधर तोश विलेज ऊपर, वहाँ से हमने स्टार्ट किया था। अभी तो बॉस काफ़ी दूर जाना है, 9 किलोमीटर। कितना किलोमीटर गौरव? 9 किलोमीटर। क्या ये सच है? ये बहुत सच है। हम पहुंच चुके हैं और हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। मतलब यार ट्रैक का एक हैक बताता हूँ तुम लोगों को, ट्रैक में हमेशा कांस्टेंट स्पीड पे चलना चाहिए, कभी भी ज़्यादा जोश और यू नो कभी ज़्यादा भाग लिए कभी कम कर लिए, कांस्टेंट चले रहो, आराम से पहुँचोगे, अदरवाइज तो थक जाओगे। एक स्टडी स्पीड मेंटेन करके रखनी है, जैसे कि गौरव ने मेंटेन करके रखी है। हेलो हेलो प्लीज। तो यार गर्मी बहुत ज़्यादा है बॉस, और ये जैकेट ऐसा लग रहा है निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ गया है, और देख रहे हो तुम पसीना। रुकना नहीं है किसी के लिए, बाय। आ रहा हूँ मैं। ठंडी है क्या? एक लेते हैं। दो आंटी 500 के खुले हैं। 200 दे दे यार। खीरगंगा तक कितना टाइम लगेगा यहाँ से? सही बता। बता बता खीरगंगा तक कितना टाइम लगेगा यहाँ से? 4 घंटे। नहीं नहीं कितना किलोमीटर है? कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर अगर जल्दी जल्दी चले 3 घंटे। अरे भरावा
यहाँ के लोकल ही बोल रहे हैं कि 4 घंटे। अच्छा यार ये नीडेड है बॉस, हमने नीडेड चीज ले लिया है, रेड बुल लिटरली बता रहा हूँ, बहुत जरूरत थी हमें यार, क्योंकि सुबह से हम कुछ ना यार, अब तो सीधा ही है, अब तो सीधा ही है, कोई दिक्कत नहीं, सीधा ही है, अब सीधा ही है रुद्रनाग तक। हाँ। रुद्रनाग यहाँ से है 2 किलोमीटर, वहाँ तक सीधा सीधा है, उसके बाद थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है 3-4 किलोमीटर की, बस सीधा देन हम पहुँच जाएंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं, अपने हाथ में रेड बुल है समझ रहे हो, हाफ हाफ पियेंगे। और ये देखो रोड देखो यार आगे, तुम बिल्कुल ये सीधा सीधा वैली में आगे जाता हुआ। या एक अजय एक बार याद दिला, जब हम अपने घर से आते थे कैसे छलांगे लगा के जाते थे यार बचपन में ना, तो हमारा जो घर है पुराना घर था वो भी ऐसे ही, मतलब काफ़ी रोड कच्चे रोड थे, उसमें भी ऐसे ही चलते थे हम बचपन में, हमारे को आदत थी पहले, अब थोड़ी सी कम हो गई है बस। और यहाँ की वैली बहुत प्यारी है, बहुत अच्छे अच्छे झरने मिलेंगे आगे, हमारे को मज़ा आएगा उतरने में, तो आधा घंटा भी नहीं लगाएंगे उतरने में, तो हम आधा घंटा यार, आज भी तब थके हम, बिकॉज हमने पैराग्लाइडिंग की, राइडिंग करके आए, दिन में मीटिंग ली, ओ भाई, और सोया ही नहीं हूं। अभी मणिकरण से लेकर बरसानी तक जो गंदा रोड था, और फिर पिछले वीडियो में तुमने देखा होगा कि बाइक भी गिर गई थी एक साइड को, तो उसको लगाने में भी थोड़ा सा टाइम लगा हमें, लेकिन एनीवे चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं हम यार, पहुँच रहे हैं, पहुँचेंगे 5 बजे चले हैं शाम को, पहुँचना तो है ही अपने को, चाहे 8 बजे पहुँचे चाहे 9 बजे, विल डू इट, लेट्स डू इट यार। स्नो कैप माउंटेन और पूरी फॉग फॉग हुई है, खीर गंगा का मतलब पता क्या है बेसिकली यार, खीर का मतलब है स्वीट डिश जो हिंदू इसमें मनाई जाती है हिंदुस्तान में, और गंगा का मतलब है गंगा माता, तो जितनी भी यहाँ पे जो ये पार्वती वैली है जो कि आवाज़ भी आ रही होगी तुम्हें, तो इसका जो पानी है ना वो मिल्की है, मतलब ये इतने पहाड़ों से उतर कर इसका पानी जो है वाइट वाइट कलर का दिखता है, तो मतलब कि खीर और गंगा पहाड़ों से निकलती हुई गंगा मैया की गोद से, तभी इसको खीर गंगा बोलते हैं। अभी तो रुके हैं हम यार मैया की गोद से, या फिर गंगोत्री, नहीं गंगोत्री यहाँ पे नहीं है, गंगोत्री उत्तराखंड में, तो ऊपर देखो यार फॉग ही फॉग में सारे पहाड़ कवर्ड है, और अपने को उधर उधर जाना है आगे, और पूरा जंगल है उधर, कहाँ जाना हमें, अरे उधर जाना है, वो नहीं दिख रहा तेरे को वहाँ पे घर, हाँ। वो है रुद्रनाग, ठीक है वो उधर, हाँ। वहाँ से फिर 3 किलोमीटर और, वो 3-4 किलोमीटर और ऊपर, वो फिर थोड़ी सी स्टीप है ऊपर, वो मतलब कि अभी है काफ़ी है, अभी हम रेड बुल पीने रुके हैं, थोड़ी सी एनर्जी मिलेगी तो फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। रेड बुल चलते हैं अब ट्रैक, बॉस अभी मैं तुम्हें क्या बताऊं कि पसीना कहां कहां किस तर बतर अभी कहां, और सामने देखो यार इतना प्यारा वाटरफॉल, यही तो मोटिवेशन है अपनी, अदरवाइज तो हम नीचे ही रुक जाते यार, वो देखो DSLR से काफ़ी अच्छा दिखता है ये, बट स्टिल उधर, और वहाँ से भी एक रास्ता आता है जंगल जंगल से, बट उस जंगल से हम आए नहीं, तुम्हें मैं DSLR से दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यार वो देखो वहाँ पे इतना प्यारा सा वाटरफॉल है, और ऊपर पहाड़ियों में पूरी की पूरी फॉग। सो यार हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट 2 या 3 किलोमीटर, और रुद्रनाग यहाँ से है ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर रह गया है, और अभी सीधा सीधा ही ट्रैक कर रहे हैं, लेकिन रुद्रनाग के बाद जो चढ़ाई आने वाली है ना बॉस, उसमें अपनी हालत ख़राब होने वाली है, और अभी टाइम हो रहा है 5:45, मतलब कि 6:45 हो चुके हैं, और हमने स्पीड अच्छी मेंटेन की है। गौरव गौरव यहाँ पीछे गौरव थोड़ा सा गिर गया था, ये वीडियो कॉल कर रहा है, और पत्थर यहाँ पे बड़े मतलब नुकीले है, तो ये बस उठ गया कैसे ना कैसे अभी, और चलना है ऊपर, और DSLR मैं ज़्यादा नहीं खोलूँगा, ऐसे बीच बीच में कोई मस्त मस्त शॉट आएंगे तो खोलूँगा, अदरवाइज GoPro से ही शूट कर रहा हूँ। चलो चलो
आपका घर कहाँ है अंकल जी? कुल्लू? खीर गंगा जा रहे हैं आप भैया? फिर गांव तक? रुद्रनाग गांव तक जा रहे हैं। अच्छा, गुड़गांव तक जा रहे हैं। ये भैया हमारे से आगे आगे थे, मतलब पहले। हाँ, शिमला से? हाँ, हिमाचल से ही है। तत्ता पानी ये पता? वो आ गया है एक गांव, गांव का नाम नहीं मुझे पता। रुद्र आई गेस यही रुद्रनाग गांव है, और इसके आगे एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल आता है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली खीर गंगा की जर्नी नहीं देखी होगी तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो आप लोग प्लेलिस्ट को जाकर चेकआउट करें, पिछली खीर गंगा की सीरीज भी देखें और इसको भी कंटिन्यू करते रहे, देखते रहे, मज़ा आएगा इसमें भी। बस यहाँ से नीचे का व्यू ही बहुत मस्त है। जल्दी बोल। तो यार अभी नकथान विलेज में, यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे है रुद्रनाग विलेज, वहाँ से फिर स्टीप चढ़ाई चढ़नी है हमें 2 या 3 किलोमीटर, और इनको जैसे ही पता चलता है कि यार हम हिमाचली है तो ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है यार बातें करने में भी। पहले इनको लग रहा था कि हम टूरिस्ट हैं, लेकिन जब हमने बोला कि हम करसोग से हैं तो ये थोड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं, गप्पे शप्पे मारते हैं यार, और अच्छा लगता है यार। हिमाचली हिमाचलियों से बहुत बेहतरीन तरीके से कनेक्ट करते हैं। तो अभी नींबू पानी ऑर्डर किया है, उसके बाद निकलते हैं फिर जल्दी जल्दी। तो यार हम पहुंच चुके हैं रुद्रनाग, और यहाँ से एक बहुत प्यारा सा झरना आ रहा है ऊपर से देखो, और यहाँ नीचे। तो यार हमें कितना टाइम लगेगा गौरी हमें? यार टाइम देखते हैं, हम चले थे बरसैनी से 5:05 पे, और अभी हो रहे हैं 6:50, और जिसमें आधा घंटा हमने बातें ही की थी नकथान विलेज में। तो यार काफ़ी अच्छी स्पीड मेंटेन करके रखी है हमने, मतलब हम ज़्यादा कहीं रुके नहीं, बस वही एक जगह थी। और यहाँ पे ऐसे डिनर करो बैठ के, मज़ा आए। वाह यार, यहाँ पे देखो पीछे, यहाँ पे चेयर लगा के रखी है, और इधर एक ढाबा है दीपक कैफे, और यहाँ बैठ के आओ कभी डिनर करो पानी के साथ। लंच करने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। जब मैं पिछली बार आया था ना तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे और लंच कर रहे थे वो, अभी 7:00 तो यहाँ पे कोई भी नहीं। और ये पीछे देखो यार, बहुत प्यारा सा झरना, रुद्रनाग टेम्पल। बस फाइनली पहुँच गया हम यार। ये देखो आखिरकार हम रुद्र नाग पहुंच ही गए। मना भी कर रहा है यहाँ पे भी थोड़ा सा फोटो शूट ऐसे ऐसे। अच्छा दोनों घूम जाए। हाँ वही तो बोल रहा। ओ भाई प्रेशर देखो उधर पानी का। प्रेशर देखो यार तुम। तो
बहुत ही मस्त जगह है यार, और बहुत ज़्यादा डरावनी लग रही है बहुत, और इतना ज़्यादा प्रेशर है ना बहुत से यहाँ पे, अगर इस पर कोई गिर गया तो, और यहाँ तक छींटे आ रहे हैं बहुत पानी के, और ठंडी ठंडी हवा चल पड़ी है, पूरा ठंडा ही हो गया यहाँ पे यार। और नीचे देखो तुम, नीचे देखो, ओ बॉय डेंजरस ही है यार, उस वहाँ वो वहाँ पे यहाँ से की, यहाँ से ऊपर, यहाँ से ऊपर, ओ बॉय पानी के फुल ऑन छींटे पड़ रहे हैं यार, तुम देखो ये है मिंटोस जिंदगी, नहीं नहीं ये है आम जिंदगी, ये है मिंटोस जिंदगी, बहुत ही खतरनाक वाटरफॉल, ओ माय गॉड, चलो 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 अभी चलते हैं, एंजॉय करते करते चलते हैं। अब तुम यार स्टीपनेस देख लो इस ट्रैक की, हरा भरा जंगल और ऊपर जाना है अपने को वहाँ पे, और ये है रास्ता, और ये मस्त रास्ता, कीचड़ भरा रास्ता, बट बहुत ही हरा है यार गौरव, सारा जंगल बहुत ही हरा है। बॉटल हमने भर लिया यार, पूरा फ्रेश पानी है यहाँ पे, और अभी आधे से ज़्यादा ट्रैक हमने कंप्लीट कर लिया है, और यहाँ पे आधा मतलब ये एक घंटे का ट्रैक और रहा है। तो अभी यार 7:27 हो रहे हैं, 7:30 हो रहे हैं, और यहाँ पे लिखा है शॉर्ट वे टू खीर गंगा 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर्स ये आ चुकी है हमारी मैगी, और इधर है चाय, और ये नज़ारे बेहतरीन से नज़ारे, और यहाँ पे हम काफ़ी अच्छी लाइट नहीं आ रही है अभी, हालत थोड़ी सी खस्ता लग रही होगी तुम्हें, लेकिन ट्रैक कर रहे हैं, इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हैं यार इसी बात पे, तो लाइक ठोको, लाइक ठोको, कमेंट और सब्सक्राइब तो कर ही लो यार, मज़ा आए। तो यार अभी शाम के बज रहे हैं यार 7:28, और अभी है हम जगह का नाम है आईसी, यहाँ से ट्रैक जो है वो सिर्फ 45 का रह गया है, और आधे घंटे तो हमने नीचे विलेज था वहाँ पे भी यू नो रेस्ट किया था, बातें की थी, एक हिमाचल का ही मिल गया था, सो समझ रहे हो यार हमने कांस्टेंट यू नो यही राज है ट्रैक का यार, कि कांस्टेंट चलते रहना होता है बस। और इस जगह पे हमने ऑर्डर किया यार मैगी, खाते हैं थोड़ी बहुत और चाय पी रहे हैं, यहाँ पर ठंडी बहुत बढ़ चुकी है, और खीर गंगा में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट गए हैं, जैसा कि मैंने बिया से पीछे पूछा ही था कि कम से कम 2000 टूरिस्ट आज ऊपर गए हैं, तो होपफुली ऊपर टेंट मिल जाए, वैसे टेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं खीर गंगा में, तो अभी ट्रैक चढ़ कोई नहीं रहा, बहुत कम लोग चढ़ रहे हैं, उतर सब रहे हैं, और इस जगह का नज़ारा दिखाता हूँ मैं तुम्हें यार। यहाँ पे देखो इधर एक बहुत प्यारा सा यू नो वाटरफॉल था, ये देखो ये बहुत ही प्यारा सा शिव शक्ति कैफे। तो बस 5-10 रुकते हैं यहाँ पे शिव शक्ति कैफे में, और फिर निकलते हैं यहाँ से गर्म होके थोड़ा सा चाय पीकर सीधे खीर गंगा, और मेरे गोप्रो की बैटरी भी ऑलमोस्ट डेडी हो चुकी है, लेकिन काफ़ी साथ दिया यार गोप्रो ने, क्योंकि मैंने ये चार्जिंग में बीच बीच में मैं इसको चार्ज करता रहा, घंटे चार्जिंग लगाया था, आधे घंटे हमने नीचे गाँव में चार्जिंग के लिए भी लगाया था, तो गोप्रो हैंडी कैमरा है, बहुत अच्छा कैमरा है ऐसे ट्रैक्स के लिए, और DSLR में थोड़ा थोड़ा ही निकाल सकता हूँ यार इंटरेक्शन के लिए, DSLR में वो पूरा कवर नहीं होता, ऐसी इंटरेक्शन के लिए DSLR बहुत अच्छा है, अदरवाइज़ पूरे ट्रैक करने के लिए GoPro इज द बेस्ट। अभी चाय पीते हैं, मैगी खाते हैं, और फिर निकलते हैं। तो यार IC लोकेशन से तो हम निकल गए, और मैगी खाकर थोड़ी सी एनर्जी आ गई हमें, लेकिन रात बहुत हो चुकी है, अब कैमरे में भी बहुत कम दिखने लगा है, तो अभी खीर गंगा पहुँचते हैं, और वहाँ से आप सभी लोगों को अपडेट देते हैं यार, अभी यहाँ से आधा घंटा और लगेगा, बिल्कुल घुप अंधेरा हो जाएगा, तो फिर मैं कुछ भी नहीं बता पाऊँगा आप लोगों को, फिर तो टेंट के अंदर ही, फिर टेंट के अंदर हम बात करेंगे।
अभी बॉस टांगों की हालत जो है, सबसे पहले मैं तुम्हें यार टाइम बता देता हूँ और अभी किस चीज़ की रोशनी में हूँ मैं। पूरा अंधेरा है वैसे, लेकिन 20 मिनट हो गया मैं पहुंचे। रोशनी यहाँ पे आधा घंटा हो गया मैं पहुँचे। मैं तुम्हें टाइम दिखा देता हूँ यार, अभी सबसे पहली चीज़, ये नया रिकॉर्ड है बॉस। तीन घंटे से कमी है। हाँ, अभी 9 बज रहे हैं और हम 10 या 15 मिनट पहले पहुँच चुके हैं। तो 5 बजे चले थे हम, आधा घंटा हमने वेट किया था, आधा घंटा हमने वो वेट किया और आधा 20 मिनट हमने मैगी मिल के खाई है वहाँ पे। तो मतलब कि 3 घंटे में हम खीर गंगा ट्रैक पूरा किया है बॉस। तीन घंटे के अंदर। और बॉस अभी हम पूछ रहे थे, दिल्ली का एक ग्रुप आ रहा था, उनको ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे लगे। वो भाई 2:30 बजे के चले हैं दिन के। भाई हम चले थे शाम को 5 बजे। कितने कैंप हमने पास किए। हम सबसे प्राइम लोकेशन पे आए हैं बॉस। अभी मैं तुम्हें दिखाऊं तो ज्यादा कुछ दिखेगा नहीं, बट मैं तुम्हें एक झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे देख रहे हो तुम, ये सारे के सारे कैंप्स ही है बॉस, यहाँ से नीचे। और जब मैं पिछली बार आया था ना, तो इतने ज्यादा कैंप्स थे नहीं यहाँ पे और सीजन भी नहीं था, लेकिन इस बार सीजन काफी जोरों शोरों पे दिख रहा है मुझे। तो 3 घंटे में नया रिकॉर्ड, अगली बार आएंगे तो इससे भी और खतरनाक रिकॉर्ड बनाएंगे। लेकिन अभी तो बॉस टांगों की हालत जो हुई है ना, क्योंकि हमने पॉज बिल्कुल कम लिया, ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लिया हमने। यस, हम नॉन स्टॉप चले, रुके कहीं नहीं। और ट्रैक का यही एक फंडा रहता है बॉस, नॉन स्टॉप चलना होता है। आराम से चलो, बिल्कुल धीमे धीमे चलो, लेकिन रुकना बहुत कम है, पानी बहुत कम, सिप-सिप और आवाजों के साथ बॉस। फुल ऑन रात हो गई थी अपने को, और इसमें तो इतना मुझे को पता है कि यार भालू होते हैं इसमें, तो आवाज़ें करते चलो, कुछ भी नहीं होगा, चिल मार के चलते। अभी हम चाय पी रहे हैं यहाँ पे मस्त, और DSLR की बैटरी अभी मैं बचाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सुबह यहाँ से तुम्हें व्यू दिखाऊंगा खीरगंगा के बहुत प्यारे प्यारे। तो GoPro की बैटरी डेड है, वो अभी मैं चार्जिंग में लगवाऊंगा यहाँ पे। जनरेटर्स का जुगाड़ है और सुबह हम नहाने भी जाएंगे उधर हॉट स्प्रिंग में। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आई होप तुम्हें ये ट्रैक वाली वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो बॉस तुम्हें पता ही है यार क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। विल मीट यू ऑन अ नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी डिफरेंट बी यूनिक और उला बी यूनिक शबा खैर। विल मीट यू ऑन अ नेक्स्ट वीडियो खीर गंगा, स्टे ट्यून, मजा आएगा। बाय बाय।